السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم معزز محترم ومكرم علماء كرام بزرقان الدين محترم دوستو بياري ماور عام عم توربر हम मुसलमानों के यहाँ यह तस्वुर है कि इस्लाम इबादत और अहकाम के मजमू का नाम है हम ये समझते हैं कि रोज़ा नमाज हज व ज़क़़़़़त यही तमाम चीज़ें असल इस्लाम है असल दीन है लेकिन हकीकत में अगर गौर किया जाए तो इबादात और अहकाम के साथ अखलाकियात भी हैं आप तमाम शरीयतों का मताल करके देखें तमाम मजाहब को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि तमाम शरीतों में तमाम मजाहिब में अखलाक की अहमियत मुसलम रही है तमाम अम्बिया व पैगम्बर ने जहाँ तोहद की तालीम दी जहाँ लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की तालीम दी वहाँ इस बात की भी तालीम दी कि लोग अच्छे अखलाक इख्तियार अच्छे अखलाक अपनाए ईमानदार बने सच्चे बने वादा को निभाने वाले वादा पूरा करने वाले बने कुरान करीम खुद बताता है चुनाचे हजरत मूसा और हारून अली सलात व तस्लीम को जब अल्लाह तबारक व तला ने फिरौन के पास नसीहत करने के लिए भेजा तो उन दोनों को खुसूसी तलकीन फरमाई हजरत मूसा और हारून दोनों को आलम व तस्लीम फ़कूल कऊल जी अलह तज़ करवाऊ के मूसा और हारून फिराउन के पास जाओ चूंकि वह जाबिर है ालम है दुश्मन है अल्लाह का मुनकर है वो खुद अपने आप को रब कहता था तो उसे नर्म अंदाज में गुफ्तु करना उसे मीठे बोल बोलना उससे नर्म रवैया इख्तियार करना लाअ तदक व वो हो सकता है वो नसीहत हासिल करे या डर जाए इसी तरह हज़रतूसुफलात इस व तस्लिम उनके जो बाकी भाई थे वो उनके दुश्मन वाक़ हुए थे और उन्होंने मकर व फ्रेब करके यूसफ़लात व तस्लीम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की जिसमें वो कामयाब नहीं हुए जब हज़रत सलात व तस्लीम मिस्र की तख्त पर बैठे और बादशाह बन गए तो उनके भाई वहाँ गले और अनाज के लिए पहुँचे सलात व तस्लीम ने उनको पहचान लिया उसके बाद उन भाइयों ने जब सलात व तस्लीम से उनकी शनासाई हो गई अपने गुनाहों का एतराफ किया अपने खताओं पर रोने लगे गिड़गिड़ाने लगे हजरत यूसुफ अली तस्लीम मिस्र के बादशाह थे अगर चाहते तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे उनके खिलाफ फैसले ले सकते थे उन्होंने फरमाया कि ला तसरीब आल कुम्य फिर कुमुआ और हैम्रहन आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं तुम्हारी कोई पकड़ नहीं अल्लाह जबारक वाले तुम्हारी मकफिरत फरमाए वो तमाम मेहरबानों में सबसे बड़ा मेहरबान है खुद हमारे आखिरी नबी मोहम्मद आरबी अलैहि वसल्लम, जिन मक्का वालों ने आपको सताया आपको अजियतें दी आपकी जान के दरपे हुए बल्कि आपके साथ साथ आपके सहाबे के राम को भी उन्होंने जानी व माली नुकसान पहुंचाया मक्के में जीना हराम कर दिया रहना हराम कर दिया घर बार बाल बच्चे और तमाम चीजों को छोड़कर वो मक्का से मदीना की तरफ चल पड़े हिजरत करने पर मजबूर हो गए फतेह मक्का के बाद का मंजर क्या होता है जब अल्लाह के नबी स मक्के में दाखिल होते ये तमाम दुश्मन ने इस्लाम सरदारा ने मक्का कुफ़ारा ने कुरैश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुल्तजियाना नजरों से देखते हैं और वहां रहमो करम की भीख मांगते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातब होकर फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुम अल यौम इज़हबु वअंतुम वअंतुम अत-तुलक वही बात जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही थी आज तुम्हारी कोई पकड़ दखड़ नहीं आज तुम पर कोई मलामत नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के सामने वो तमाम नक्शे उनकी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर दुश्मनी के अजियत के तकलीफ के उनके आंखों के सामने लेकिन इसके बावजूद भी आप फरमाते ला अलैकुम अल-यौम तसरी जाओ आज तुम सब आज़ाद हो मदनी ज़िंदगी में रईसुल मुनाफिक्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था उसने कदम कदम पर आपको तकलीफ पहुंचाई नुकसान पहुंचाया आपके घर वालों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की साहब के राम के खिलाफ साजिशें की उसने उसने कोई दकीका उठाना रखा तकलीफ छोड़ने का तक, तकलीफ पहुंचाने का जब इसी मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा तलवार लेकर उसका सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाता है उसको कत्ल करने पर आमादा हो जाता है साहब एक राम की तलवारें भी नंगी हो जाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है कि उसे छोड़ दो अगर तुम इसे कत्ल कर देते हो तो दुनिया जहां यह कहेगी कि देखो मोहम्मद अपने साथियों का कत्ल कर रहा है उनका खून बहा रहा है अल्लाह के नबी सल वसलम ने अपने दुश्मनों को कभी अजियतें नहीं दी तो तमाम शरीयों में खा वो मूसवी शरीय हो या कोई और शरीय हो तमाम शरीयतों में अखलाक की अहमियत मुसलम रही है यहाँ तक कि इस शरीयत शरीत मोहम्मदिया में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को अकीदे के बाद अवलिन तरजीह दिए आज अकीदे के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की असलाह की जरूरत है वह अखलाक मुसलमान अखलाक के मैदान में आज फिसअडी वाक़ हुए आज आप दुनिया जहां में मुसलमानों को देख लें मुसलमानी मुआरे का जायजा करें मुसलमानी समाज को देखें मुसलमान खुद मुसलमानों के खून का पियासा है मुसलमान खुद अपने दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचा रहा है मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा रहा है मुसलमान दूसरे अपने मुसलमान भाई के इज्जत को सरे बाजार उछाल रहा है मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को जलील करने के लिए दरपे मुसलमान तिजारत में आगे बढ़ने के लिए अपने दूसरे मुसलमान भाई को हर तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है मुसलमान मुसलमानी को गाली दे रहा है मुसलमान मुसलमानी से लड़ रहा है मुसलमान मुसलमानी के साथ बस सलूकी कर रहा है और आपको यह भी बता दू कि मुस्लिम समाज और गैर मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा एक फर्क ये है कि आप जब मुस्लिम समाज में दाखिल होंगे मुस्लिम माशरे में आप चलेंगे तो आपको मुस्लिम समाज और गैर मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा फर्क ये नजर आएगा कि मुस्लिम समाज में वहाँ पर आपको अवअल बात तो ये है कि वहाँ सफाई सुथराई का कोई अहमाम नहीं होता जबकि शत्रुल ईमान पाकिजगी को निसफ ईमान कहा गया आधा ईमान कहा गया जमीनी तौर पर भी सफाई नहीं है और जबान की भी सफाई नहीं है दूसरी जो खराबी मिलेगी मुसलमानी मुआरे में सबसे ज्यादा वो गालम गुलूच सब्बोशितान तान माँ बहने आपस में कर रही है भाई बंद भी कर रहे हैं छोटे बड़े भी कर रहे हैं गली कूचे में गाली गालियों की आवाज गूंज रही है लड़ाई झगड़ा है फितना फसाद है गैर मुस्लिम समाज में आपको यह नहीं मिलेगा किसी भी कौम की कामयाबी की सबसे बड़ी आलामत यह है और किसी भी कौम की सबसे बड़ी कवत यह है कि उसका अखलाक सबसे अच्छा हो जो कौम कामयाब है उसका अखलाक का उसका अखलाक का आप नजारा कर लें, उसका जायजा ले, ले लें आप कामयाब कौमों का अखलाक सबसे अच्छा होता है घर से वह अकीदे के एतबार से गड़बड़ हो आज बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें दुनिया में है आप देखें अखलाकी एबार से बड़े महजब होते हैं वो बड़े मददब होते हैं गर्च अकीदे की तालीम या उनका अकीदा गड़बड़ कामयाब कौम बनने के लिए मुसलमानों को अखला के हथियार को से लैस होना पड़ेगा अखलाकी अवसाफ़ जो कुरान और हदीस ने बयान किए हैं उन अवसाफ से अपने आप को मुतसिफ़ करना पड़ेगा अखला की तारीफ़ इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्ला बिन मुबारक रम्ह से यूँ नक़ल की है अखलाक कहते हैं हुआ तलाकतुलवी व बदलमूफी वकफुल अजा कि अखलाक खंदा पेशानी के साथ मिलने भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का नाम है आप किसी से मिले तो मुस्कुरा कर मिले फितरी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हो जो दिल से आपके होठों तक पहुंचे फितरी मुस्कुराहट बनावटी और मसनोई नहीं वह बदलमरूफ और हमेशा भलाई हमेशा ही भलाई सोचें भलाई करें खैर खाई का जज्बा होना चाहिए वकफुल और अपने हाथों से अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ न दें किसी को सतएँ न किसी को परेशान ना करें चुनाच अल्लाह तबारक व तरन मजीद में रसूल करीम अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही देते हुए फरमा रहा है व इन न कलाकिनीम ए नबी अलैहि वसल्लम आप अखला के अदीम मरतबे पर फायज़ हैं अखलाक के बुलंद मरतबे पर फायज़ हैं ये आयत करीमा मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई सुर कलम की आयत करीमा है और मक्की ज़िंदगी में आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ़ें उठानी पड़ी किस कदर आपको सताया गया किस कदर आपको नुकसान पहुँचाया गया आपके सहबा के साथ किस तरह बदसलूकियाँ की गई लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम और सब्र और में से काम लेते रहे वहां पे उन्होंने आपको जब आपने मक्का के लोगों को तौहीद की दावत दी तो आपको कितना लान तान किया आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए आप पर कूड़े करकट फेंके गए और ना सिर्फ ये गए आप पर कूड़े करकट फेंके गए आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए बल्कि आपको गालियां भी दी गई कभी आपको साबी कहा गया कभी आपको साहिर कहा गया कभी आपको मजनू कहा गया कभी आपको पागल कहा गया कहा कभी आपको दीवाना कहा गया अल्लाह तबारक व तला ने ऐसे हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंदाई और हौसला दिया और आपके अखलाक की तारीफ की गवाही दी फरमाया कि दुनिया वाले जो चाहे वो कहें आपके अखलाक के अखलाके बारे में जो चाहे बातें करें व इन नज़ीम अल्लाह ये गवाही दे रहा है सात आसमान ऊपर आर्श पर मुस्तवी वो रब कह रहा है कि आप अखलाक के बुलंद मकाम पर फायज अखलाक के अजीम रुतबे पर फायज दुनिया ने देखा कि आपने वाकई साबित किया कि आप अखलाक बुलंद अखलाक के मालिक हैं आयश रज अल्लाह त से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल वसलम के अखलाक के बारे में बताइए तो उन्होंने कहा कि काना खुल कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ लो सारा कुरान आपका अखलाक था सारा कुरान आपका अखलाक था आपका चलना फिरना आपका उठना बैठना आपका सोना जागना आपका हंसना और गुफ्तगु करना आपका लेन देन आपकी तजारत आपका मामला को अंजाम देना घर के अंदर हो घर के लोगों के साथ हो बीवियों बच्चों के साथ हो बाहर के लोगों के साथ हो सहाबा के साथ हो अपनों के साथ हो गैरों के साथ हो छोटों और बड़ों के साथ सुलूक का मामला हो तमाम की तमाम कुरान की तालीमत के आयन मुताबिक था अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतर क्यों ना होता आप वसल्लम सबसे अच्छा अच्छे अखलाक वाले क्यों ना होते अनसर तनों कहते हैं कान रसूल अल्लाह के नबी वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे क्योंकि आप जहाँ तोहैद की दावत के लिए भेजे गए थे बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की इबादत के लिए आप मबलूस हुए थे वहाँ आपकी जहाँ आपकी तलीमत जिंदगी के हर शोबे के लिए हैं मुतन किस्म की तालीमत आपकी हैं वहाँ अखलाकियात की भी आप तालीम दी है आपने तालीम दी है और आप तो के लिए भेजे गए लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए आप अल्लाह की इबादत के लिए आपको भेजा गया वहीं आपकी बेहस का एक मकसद ये था दुनिया में आने का एक मकसद ये भी बतलाया गया कि आप मकारी में अखलाक की तकमील के लिए आएँ आए। अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने खुद अपने जुबान मुबारक से रिशात फराया इन बोस्तुल मकारीखलाक मुझे मकारी में अखलाक

ने इसकी शहादत दी पिछली किताबों में भी आपके अखलाक के चर्चे थे पुरानी शरीयतों में भी आपके आपके अखलाक के चर्चे थे जहां कहा गया था कि वो नबी आएगा जो लोगों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी पर लाएगा लगाएगा वहां यह भी बताया गया था कि वो नबी सच्चा होगा वो नबी अमानतदार होगा वो नबी ईमानदार होगा वो नबी अफ दरगुजर करने वाला होगा चुनाचे अता बिन अताबिन यसारहम्ला कहते हैं सही बुखारी वगैरह की रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन आम्र बिन आसरदा से मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के तौरात में जो औसाफ़ बयान किए गए आपके जो अखलाक बयान किए गए ज़रा मुझे बताइए उससे मुतला कीजिए तो अब्दुल्ला बिन आम्र बिन आसरद्ल्न ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तौरात में तो बाज़ वहीफात बयान की गई हैं अल्लाह के नबी सली वम की जो कुरन मजीद में बयान की गई हैं जो अखलाक़ तौरात में बयान किए गए वही कुरान मजीद में बयान किए गए فرمايكي ما هي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر

शाहिद गवाह बनाकर भेजेंगे, व मुबशिरा मेरे मुती फर्मा बंदों को बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजें भेजूंगा व नजीरा और डराने वाला बनाकर भेजूंगा वा लिल और आप अनपढ़ कौम के निगहबां होंगे उनके मुहाफिज होंगे उनकी हिफाजत करने वाले होंगे व रसूली आप मेरे बंदे होंगे और मेरे रसूल होंगे सम्मई तुकल मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है ना आप बदजुबान होंगे ना आप बदगो होंगे ना आप फोशगो होंगे वाला गली दिन और ना आप सख्त दिल और संग मिजाज होंगे वला फिल फिलसवाक ना बाजारों में शोर करने वाले होंगे शोर शराबा करने वाले आप नहीं होंगे और फरमाया कि वैद फाउब सैयात सैया आप शर का जवाब शर से नहीं देंगे बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे वला कि याफु वयक आप मेहरबान होंगे अफ दरगुजर करने वाले होंगे और अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने पास उस वक्त तक नहीं बुलाएगा जब तक के अपने हुज्जत तमाम ना कर दे जब तक के एक टेढ़ी कौम को सीधा ना कर दे यहाँ तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे एक ला इला के कलमे के कायल हो जाए और हक इतना वादे ना हो जाए कि बहरे भी हक सुनने लगे अंधे भी हक देखने लगें और गूंगे भी हक बोलने लगें हक इतना वादे ना हो जाए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लुक से तौरात में बशारत सुनाई गई थी आपके अखलाक की जिसमें शहादत दी गई दोस्त के साथ अपनों के साथ गैरों के साथ बहुत से लोगों ने आपके अखलाक की शहादत दी है चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई गारहरा में उस वक्त आप वहाँ से वापस लौटे और घबराए हुए अपने घर बेचैनी के आलम में पहुँचे और हजरत खतीजा रजी अल्लाह तह से कह रहे थे कि मुझे तो अपनी जान का ख़तरा है मुझे तो अपनी जान का ख़तरा है तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तह जो आपकी रफ़ीक हजार तसली देते हुए कहती हैं कल्ला अब शर फ़ोल्ला हुआ बदा हरगज नहीं आपको बशारत हो अल्लाह तबारक तआला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा इन्ना रहीम व तस्कुलस व कल व तक सिबल व व तक वीन हक आप तो कराबदारी करते हैं रिश्ता जोड़ते हैं सिला रहमी का पासो लिहाज रखते हैं व तुलदीस सच्चाई पर कारबंद हैं सच्चाई इख्तियार किए हुए और सच बोलती भी हैं नहीं है। नहीं है। व कल और कमजोर नातवा लोगों का बोझ उठाते हैं वह तक सिल्मादूम जो फकीर व मस्किन लोग हैं उनको कमा कर आप देते हैं व आप मेहमान नवाजी करते हैं भूखों को खाना खिलाते हैं व तो वाला नबा इबिल और हक के वाक सिलसिले में पेश आने वाले वाकआत में आप लोगों की मदद करते हैं या आपकी बीवी हज़रत खतीजा रजी अल्लाह त अखलाक की शादत दे रही है कब अभी आप पर पहली वही नाजिल हुई है अभी आपको नबूवत का पैगाम सुनाया गया है यानी मक्की जिंदगी में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने 40 साल के अरसे गुजारे वो 40 साल जिंदगी की पूरी तस्वीर हजरत अल्लाह तआला ने आपके सामने रख दी जो आपके अखलाक पर एक जीती जागती और बयिन शहादत है इसी तरह दुश्मनों की ज़ुबानी भी आपके अखलाक़ की शहादत मिलती है सही बुखारी का वाक़ सुलहुदेबिया के दौरान रूम के बादशाह हिरकल ने जब उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास ख़त भेजा इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो ख़त तो पहुंचा लेकिन उसने अभी पढ़ा नहीं था उसी दौरान उसे मालूम हुआ कि मक् का काफिला रूम में मौजूद है और उस काफले के सरबरा अबू सुफियान थे जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे उसने अपने एलची के जरिए से उस काफिले को अपने दरबार में बुला लिया अबू सुफियान को अपने सामने खड़ा किया और उनके साथियों से कहा कि अगर अबू सुफियान गलत बयानी से काम लें कोई गलत बात बोलें तो फ़ौरन की तकजीब करना उसने बहुत सारे सवाल अल्लाह के नबी अल्लाह के, के बारे में से नहीं थे। कहते के, अगर मुझे इस बात की हया ना होती गैरत ना आती कि मेरे साथी मुझे भरी मजलिस में भरे मजमे में झुटला देंगे इस सुपर पावर ताकत रूम की जो सुपर पावर ताकत थी, रूम का जो बादशाह था हिरकल ये भरे मजमे में इस पूरे मुल्क में मेरी जिल्लत और रसवाई होगी मुझे शर्म ना होती मुझे इतनी गैरत ना आती तो लगा जब तू आन हूं मेरे साथी मुझे झुटला देंगे तो मैं जरूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत दरों गोई से काम लेता किसब बयानी से काम लेता जरूर कुछ ना कुछ गलत बयान करता जिससे वो बदगुमान हो जाता लेकिन कहता कहते हैं कि मैं ऐसा कर ना सका उसके बाद हिरकले ने बहुत सारे सवाल पूछे उन सवाल में से एक सवाल यह भी था फहल मा तु बिलकुल अब यह बताओ क्या उस नबी ने जो नबूवत का दावेदार है अपने अपनी जिंदगी में अपनी अपने नबूवत से पहले अपने दावाए नबूवत से पहले कभी उसने झूठ बोला है किसी मौके पर कोई एक वाकया बताओ कोई एक हादसा बताओ कोई एक भी बात बताओ उसके झूठ की एक भी कोई मिसाल दे दो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं ये कितनी बड़ी शहादत थी पूरी जिंदगी में एक भी झूठ का वाक्य नहीं आज मुसलमान अपने नबी के अखलाक को सामने रखे अपने अखलाक का जायजा लें, अपने किरदार का जायजा लें अपने मामलात का जायजा लें अपने सलूक व आता का जायजा लें अपनी मुआशरत का जायजा लें अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके का जायजा लें पूछता है हिरकल फहल यकू वो नबी कभी बदाही भी किया उसने उसने कभी तुम्हें धोखा दिया अहद किया हो फिर फिर बेवफाई की हो बदहदी की हो अब उसफिया ने कहा कभी उसने बेवफाई नहीं की बदहदी कभी नहीं की उसने उसके बाद एक सवाल हिरक ये करता है माँ जा जामरों को वो नबी तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है तो कहते हैं कि वो नबी कहता है सैया सिर्फ अल्लाह की इबादत करो एक अल्लाह की इबादत करो एक अल्लाह के आगे झुको एक अल्लाह के लिए इबादत को खालिश कर लो वाला तुश्रकू भी सैया उसके साथ किसी को भी शरीक साझी ना बनाओ किसी को शरीक मत समझो और वत रुको माकुल आबाउकुम वो नबी ये भी तालीम देते हैं कि बाप दादा के रस्मों और तरीकों को छोड़ दो अल्लाह और उसके रसूल रसूल के तरीके को इख्तियार करो उनके पैगाम को अपना लो और वो हमें हुक्म देते हैं वही अमरोना व सिला वो हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं एक अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देते हैं अल्लाह के साथ वफादारी का हुक्म देते हैं वही अमर उना बिस सवलात व सिदकी और हमें सच्चाई पर कार्बन रहने सच्चाई इख्तियार करने सच बोलने और सच सच्चे बनने का हुक्म देते हैं वल वलाआाफ वसला अपने इज्जत आबरू की हिफाजत करने पाक दामनी का हुक्म देते हैं और हमें यह हुक्म देते हैं कि हम रिश्तेदारों को रिश्तेदारी को जोड़ कर रखें हम खराबत के, के तकाने को बरकरार रखें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह हुक्म देते हैं अबू सुफयान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे ये उस वक्त की गवाही है वो ये उस वक्त की शहादत है जब वो मुसलमान नहीं हुए थे अखलाक ये बहुत बड़ी दौलत है ये बहुत बड़ी नेमत है जिससे आज मुस्लिम समाज मुस्लिम कौम मुस्लिम जवान मुस्लिम माएँ और बहने महरूम हैं इबादत का मकसद अखलाक की असलाह है अगर हमारे अखलाक दुरुस्त नहीं है तो हमारी इबादात महफूज नहीं है हमारी इबादात मकबूल नहीं है नमाज का मकसद अखलाक की असलाह इस, और तस्ह रोज़े का मकसद अखलाक की असलाह तश्री हज का मकसद अखलाक की असलाह व तश्री इसी तरह ज़कवा़त का मकसद सदक़ात खैरात का मकसद अखलाक की असलाह अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़ पेश आया अबू हुररा कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सला वसलम के पास आया ज़रा अखलाक की अहमियत का अंदाज़ा बदखुलकी से लगाइए बदखलकीकी के अंजाम से लगाइए बुरे सलूक और तरीक़े के का जो अंजाम है उससे लगाइए नतीजे से लगाइए उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के नमाज का उसके रोज़े का उसके सदक़ात खैरात का बड़ा चर्चा है बड़ा शोहरा है बड़ा उसका डंडा और डंका और डंडोरा है समाज में मुआशरे में कि बड़ी नमाज पढ़ने वाली बड़ा रोज़ा रखने वाली बड़ा खे, बड़ी खैरात करने वाली लेकिन वो अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है लोगों को नुकसान पहुंचाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसे जहन्नम की वाइज सुना दो ही फिर नमाज पढ़ने वाली सदका वह वा करने वाली रोजा रखने वाली लेकिन अखलाक नहीं किरदार नहीं हाथ पाओ की हिफाजत नहीं जुबान की हिफाजत नहीं सच्चाई नहीं फरमाया कि उसे जाओ जहन्नम की वाइज सुना दो अपने हाथ से अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती थी नमाज भी पढ़ती थी रोजे भी रखती थी फरमाया गया कि एक दूसरी भी औरत है जो नमाज भी पढ़ती है ले और रोज़ा भी रखती है सदका व खैरत भी कहती है लेकिन बहुत मुख्तर यह नफली नो नफली इबादात की बात हो रही है फर्द इबादात की बात बात नहीं हो रही है नफली इबादात की बात हो रही लेकिन वो मुख्तसर तौर पर सदका करती है पनीर वगैरह का टुकड़ा लोगों में तकसीम कर देती है लेकिन वो अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुँचाती अल्लाह के नबी सलील वसलम ने फरमाया फिल जन्न जाओ उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो इसी अखलाक की बदौलत

मेरी मजलिस से सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो अखलाक सबसे अच्छा अखलाकों को जन्नत में ले जाएगी अखलाक आपने 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 चीज लोगों को ज्यादातर जहनम में ले जाएगी आपने फरमाया लोगों का मुँह अलफाम ने फरमाया कि बंदे का अखलाक उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो बाखलाक ना हो, ना हो। अगर चाहते हो कि अपने ईमान की मैराज हो अपने ईमान को मुकम्मल कर ले तो अखलाक से आरास्ता व पैरास्ता होना जरूरी अपने आप को अखलाकी औसाफ से मुतसिफ करना होगा रसूल करीम सल वम ने बड़ी बशारतें सुनाइएसलम ने फरमाया आदमी अपने हुस्न अखलाक की बदौलत एक रोज़ेदार तहद गुजार के दर्जे और मकाम को पहुंच जाता है मेरे भाई हसन अखलाक का बहुत बड़ा मकाम है इसीलिए नौजवानों को इस बात की खास ज़रूरत है खसूसी तौर पर कि वह आज दावत के मैदान में खास तौर पर हुसन अखलाक का सबूत दें सुलदबिया का वाक़ है या इसी तरह जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस तनाजुर में हमारे नौजवानों को जवानों को दावत के मैदान में और अपने मुआरे और समाज में अखलाकी अवसाफ से मुतिफ होने की और अखलाक हसना का हथियार से लैस होने की बहुत जरूरत है अगर हम अखलाक से मुतिफ नहीं होते तो आज हम आज के हालात में कहा मुकाबला नहीं कर सकते अखलाक की सबसे बड़ी ताकत है आप सले के वाक्य को सामने रखिए ताइफ के वाक्यों को सामने रखिए अल्लाह के नबी सल्हलम ने ऐसे नौजवानों को ऐसे लोग खुशखबरी दीमरा हद पर होने के बावजूद भी लोगों से झगड़े ना करे लोगों से वो रस्त कशी ना करे लोगों के बरसरे पैकार ना हो ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्हे वसलम ने खुशखबरी दी लोग आपके खिलाफ हो माशरे आपके खिलाफ हो समाज आपके खिलाफ हो लोग लान तान करें आपके रास्तों में काटे बिछाएं दावत तबलीग

नेकी का मकाम दूसरा है बदी का दूसरा है इतफाबिलती आसन हमेशा बुराई का जवाब अच्छाई से दो फईदी अदाबा कानियीम यह अखलाक की बहुत बड़ी तालीम है यह अखलाक के बाद में असलूल है जब आप बुराई का बदला अच्छाई से देंगे तो जो आपका दुश्मन है वो भी आपका दोस्त बन जाएगा जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त मारा तो अखलाक के तलवार से मारा है मोहब्बत में वो बने संग वन अखलाक से काफिर को मुसलमान कर दे तो जरूरत इस बात की है कि आज मुसलमान नबवी अखलाक के नबीवी अखलाक को सामने रखते हुए उसके मुआफिक अपने अखलाक को ढालें आज मुसलमान बाखलाक को बने और रसूल करीम अलैहि वसल्लम के नमूने को जो नमूना है आपने सामने रखें अल्लाह रब्बमी ने कुर मजीद ने फ़रमाया लकत कान लकुम फिर रसूल ला उस अल्लाह तबारक व ताल से दुआ करनी चाहिए कि लाल आलमिन मुझ कहने वाले को आप सुनने वाले को नबवी अखलाक अपनाने की तोफ़ी क़ा फरमा या रबल आलमीन हमें अपने अखलाक कररदार को नबी आल सला तस्लीम के अखलाक के साचे में ढालने की तो़ीक़ा फ़मा जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा तबिंदा रख जब हमारा खत्मा हो कल मदहीद्ला महमदर रसूल्ला पर हो واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته